किडनी के मरीज बढ़ रहे हैं सर, क्या कारण है? देखिए, आज के इस भागदौड़ जिंदगी में अपना सबसे पहले तो अपना शरीर का ख्याल नहीं रख पाते हैं, खान पान में कमी या फिर बहुत तरह से जैसे जंक फूड खाते हैं, खान में कोई दिक्कत जो भी मन किया वही खा लेते हैं, जैसा मन किया वैसे खा लेते हैं, तो उसके चलते क्या हो रहा है, शुगर का पेशेंट बढ़ रहा है, शुगर का पेशेंट बढ़ रहा है, साथ साथ में ब्लड प्रेशर का जो बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, उसका प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन। तो हमारे शुगर और हाई ब्लड प्रेशर के चलते किडनी खराब हो रही है, तो ये मुख्य दो कारण है जिसके चलते किडनी के पेशेंट हमारे बढ़ रहे हैं। प्रारंभिक लक्षण क्या होते हैं? देखिए, किडनी जब भी खराब होती है, ये जब तक 80% किडनी खराब नहीं होती है तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका, फिर भी जब किडनी खराब होने लगती है तो सबसे पहले पैर में सूजन आती है, कमजोरी लगती है, शरीर में इचिंग होती है, जैसे हम लोग बोलते हैं खुजलाहट, भूख नहीं लगना, और ये सब क्या बोलते हैं हम लोग, नोजिया, नोजिया जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उल्टी लगना, उल्टी जैसा लगता है या फिर कमजोरी लगती है, ये सब मुख्य लक्षण है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि किडनी में खराब होना शुरू हो गया है। लोगों को क्या प्रिकॉशन बरतना चाहिए किसी के लिए? हाँ, तो सबसे पहले किडनी को बचाने के लिए सबसे पहले अपना हेल्थ पे ध्यान देना है। सबसे पहले हेल्थ का कारण क्या हो रहा है, खान पान, खान पान पे ध्यान देना है। अगर कोई चीज़ का नशा करते हैं तो नशा को बंद करना है, जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना, ये सब बंद करना है। साथ में रेगुलर एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज यानी कि आप प्रतिदिन आधा घंटा भी अगर वॉकिंग करते हैं तो आपके शरीर के लिए लाभदायक है। अगर आपको शुगर है या प्रेशर है तो शुगर को कंट्रोल पे रखना है, रेगुलर बेसिस पे आपको हेल्थ चेकअप कराना है, और साथ में कम से कम एक बार साल में किडनी का चेक कराएं, ताकि आपका किडनी खराब हो रहा है या अच्छा है तो उसका हम लोग पता कर सकते हैं। कई लोग डायबिटीज और बीपी के मरीज होने के बावजूद शराब का अधिक सेवन करते हैं, किडनी पर कितना असर होता है? हाँ, देखिए, पहले मैंने बता चुका है कि किडनी का सबसे मोस्ट कॉमन काज, मतलब सबसे पहला कारण है किडनी क्या, वो है शुगर, दूसरा है हाइपरटेंशन। जिसको शुगर होता है तो उसको लगभग लगभग किसको बोलते हैं 50 से 75% पेशेंट को हाइपरटेंशन हो जाता है। ये दोनों मुख्य कारण है जिसके चलते किडनी खराब हो रही है। ऊपर से आप अगर शराब पीते हैं तो शराब का उल्टा असर किडनी पे पड़ता है, जिसके चलते आपका जो 5% खराब होना रहेगा वो तुरंत खराब होकर 20% होने लगती है। इसलिए शराब पीना बंद करें, साथ में शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें।